आज बहुत मस्त मस्त अपडेट्स मिले हैं, क्योंकि कल है 4 दिसंबर और कल आने वाला है OB47 का अपडेट। तो कल के बहुत सारे अपडेट मिले, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मिले। चलो सब कुछ दिखाता हूँ। मैजिक क्यूब का स्टोर वगैरह भी अपडेट होने वाला है, काफी मस्त मस्त अपडेट इसलिए बोल रहा हूँ। चलो बताता हूँ सब कुछ। सबसे पहले ये देखो एक वीडियो मिला है जो पुष्पा के शूटिंग का वीडियो है। पुष्पा के शूटिंग का एक वीडियो लीक हुआ है, ये देखो, जहाँ पर दिख रहा है कि पुष्पा का कुछ तो शूटिंग वगैरह हो रहा है, मेकअप वगैरह हो रहा है, पुष्पा का गेटअप ले रखा है किसी ने। तो मतलब पुष्पा का इवेंट कुछ छोटा मोटा इवेंट नहीं हुआ, काफी बड़ा हुआ। ट्रेलर वगैरह लोग बना रहे हैं, शायद शूटिंग वगैरह चल रहा है, तो काफी मस्त इवेंट आने वाला है पुष्पा का। उसके बाद में देखो ये एक बैनर मिला है पुष्पा के रिंग इवेंट का, जिसका नाम होगा राजा रिंग। और ये रिंग इवेंट कल ही आने वाला है 4 दिसंबर को अपडेट के बाद में। जैसे तुम गेम को अपडेट कर लोगे 9-10 बजे अपडेट आ जाएगा, और अपडेट करते ही पुष्पा का राजा रिंग इवेंट आ जाएगा, जिसके अंदर 4 आइटम्स आएंगे पुष्पा के। ये पुष्पा का बंडल आएगा सैंडलवुड राजा बंडल, और ग्लूवॉल का स्किन भी आएगा, आई एम फायर ग्लूवॉल, और रेड सैंडलवुड मॉन्स्टर ट्रक का स्किन आएगा, और ये कुल्हाड़ी का स्किन भी आएगा। ये 4 आइटम आने वाले पुष्पा रिंग इवेंट के अंदर राजा रिंग। जरूरी सूचना, ये जो पुष्पा का रिंग इवेंट है ये कल आएगा 6 दिसंबर को आएगा, अभी अभी अपडेट मिला है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, और उसके बाद में है ट्रिपल स्टोर अपडेट, ये भी कल ही आने वाला है 4 दिसंबर को अपडेट के बाद में। मैं तो भूल ही गया था भाई, मैजिक क्यूब का स्टोर भी अपडेट होगा, एफएफ टोकन का स्टोर वगैरह अपडेट होगा, मुझे तो याद ही नहीं था। तो चलो, इसका ऑफिशियल बैनर है ये, कल ये बैनर तुम्हें दिख जाएगा अपडेट करने के बाद गेम को। और इसमें क्या होता है तुम्हें तो पता है, 3 स्टोर अपडेट होता है। एक जो नॉर्मल वाला स्टोर है डायमंड वाला, वो अपडेट होगा, उसके अंदर कुछ न्यू आइटम्स वगैरह ऐड होंगे, और मैजिक क्यूब का स्टोर भी अपडेट होगा, जिसका कुछ पता नहीं चला, बस यही बैनर में जो ये 2 बंडल दिख रहे हैं यही, मतलब ज्यादा कुछ अच्छे बंडल्स नहीं आने वाले, फालतू बंडल चाहिए। और तीसरा है एफएफ टोकन का स्टोर भी अपडेट हुआ, जिसके अंदर ये 2 बंडल ऐड होंगे, जो काफी पुराने बंडल है, बहुत पहले आ रखे थे, या फिर ऑलरेडी है क्या, ये ऐसा क्यों लग रहा है ये ऑलरेडी है, शायद नहीं है। तो ये सब ट्रिपल स्टोर अपडेट हुआ, मतलब कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, फालतू आइटम्स ऐड होने वाले, जो हर बार होता है, बट कभी कभी ये लोग अच्छे आइटम्स ऐड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये बैनर ट्राई कोडा नाउ, ये बैनर भी कल ही आने वाला अपडेट करने के बाद गेम को। जो हमारा न्यू कैरेक्टर कोडा कैरेक्टर, उसको तुम ट्राई कर सकते हो, फ्री मिलेगा ये, क्लेम करके ट्राई कर सकते हो। कैसा इसका एबिलिटी, बहुत खतरनाक है भाई, एकदम हैकर कैरेक्टर है, बल के आर पार देखता, बहुत ही नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर होने वाले। और उसके बाद में और कुछ नहीं है, बस एक बैनर है, देखो ये बैनर मूडेंग कोलैबोरेशन का बैनर है, तुमने दिखाया था ना, हिप्पो के थीम पे आइटम्स है ये सब सारे, ये बाहर के सर्वर्स में बहुत पहले आ चुका था, हमारे इंडिया में अभी आएगा अपडेट के बाद 6 तारीख को, 6 दिसंबर को इसका एक रॉयल आएगा, मूडेंग रॉयल ऐसा करके कुछ आएगा, उसके अंदर ये सब आइटम्स है। ठीक है, बस इतने ही अपडेट्स मिले थे आज, और कुछ नहीं है, बाकी जो भी है कल देख लेना अपडेट करने के बाद गेम को, वो सारी चीजें ऐड होने वाले। और हाँ, लॉबी वगैरह भी शायद कल ही चेंज हो जाएगा, हाँ विंटरलैंड का लॉबी आ जाएगा, और लोडिंग स्क्रीन वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ विंटरलैंड के थीम पे होने वाला है कल से। कल गेम अपडेट करते ही सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा थीम विंटर के थीम पे हो जाएगा, और मैप पे भी शायद कल से ही बर्फ पड़ने वाला है, अपडेट के बाद में ही बर्फ पड़ेगा, पूरा मैप में बर्फबारी होगा, मजा आ जाएगा। चलो बस यही था आज के वीडियो में, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।